हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है एंगुलर मेजरमेंट, जिसके अंदर हम एंगल को मेजर करने वाले डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट है ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर, जिसको आज मैं समझाने वाला हूँ। मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो में डाल चुका हूँ, वह आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है EMMP/Metrology एंड मेजरमेंट के नाम से, वहां से भी जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स यहां पर जो ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और इसके डायग्राम को। यहां पर लिखा ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर, ऑप्टिकल जो भी वर्ड यूज किया जाता है वहां पर समझना कि हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं। तो इस ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर के अंदर भी हम क्या करेंगे, एक माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। क्यों करेंगे इसको मैं डेफिनेशन के अंदर समझाऊंगा। ये लिखा प्रोट्रैक्टर, तो प्रोट्रैक्टर क्या होता है, जो ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर है उसके अंदर हम हमारी जो मेन स्किल रहती है वह पूरी तरह प्रोट्रैक्टर की तरह रहती है। प्रोट्रैक्टर के अंदर आपने देखा होगा जो हमारा चांदा होता है, अच्छी तरह समझते होंगे चांदे को, जिसमें हम 0 से 360 के बीच में डिग्री में एंगल मार्क रहते हैं, जिसकी सहायता से हम डिग्री में एंगल को मेजर करते हैं। उसी तरह ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर के अंदर भी जो मेन स्केल रहती है उसके अंदर भी 0 से 360 के बीच में एंगल मार्क रहते हैं, जिसकी सहायता से हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। अब यहां पर जो माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है उसका यूज इसलिए होता है फ्रेंड्स, जिससे हम छोटे से छोटे एंगल को मेजर कर सके। अब फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन की सहायता से थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर क्या होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। जो हमने वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर पढ़ाया था उसी तरह का यह भी पूरा ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर होता है, लेकिन वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से जो ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर है यह उससे एडवांस रूप है, उसका मॉडिफाई रूप है। मॉडिफाई क्यों रूप है, क्योंकि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से हम 5 मिनट तक के एंगल को मेजर कर सकते थे, लेकिन ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर से हम 2 मिनट तक के एंगल को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से हम छोटे से छोटे एंगल को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, उसमें नॉर्मल हम वर्नियर स्केल का यूज करते थे, जिसमें आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि हम जो एंगल डिवाइड करते थे वह 12 भाग एक साइड करते थे, 12 भाग एक साइड, और 5 5 के बीच में हम मार्क करते थे। लेकिन इसमें हम क्या करते थे, इसमें क्या करते हैं ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर, एक कांच की सर्कुलर प्लेट यूज करते हैं। किसकी, कांच की बनी हुई सर्कुलर प्लेट यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्नियर का, जो वर्नियर स्केल है उसका ग्रेजुएट रूप। क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल का ग्रेजुएट रूप बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कांच की सर्कुलर प्लेट में हम क्या करते हैं, 10 10 मार्क में डिवीजन कर देते हैं, किसमें, 10 10 में पूरे डिवीजन कर देते हैं, जिससे हम एक छोटे से छोटे एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो 10 10 भाग में पूरे डिवीजन बना देते हैं, और उसी तरह पूरी सर्कुलर प्लेट काम करती है, जैसे हमारी वर्नियर स्केल को पढ़ा जाता है था उसी तरह हम इसको भी पढ़ेंगे। सेम पढ़ने का तरीका होता है, वैसे ही मेन स्केल को पढ़ेंगे वैसे ही वर्नियर स्केल की तरह हम इसको भी पढ़ेंगे, सिर्फ इसको बोलते हैं ग्रेजुएट रूप। सिर्फ हमने क्या कर दिया था, वहां पर 5 5 के डिवीजन किए थे, यहां पर 10 10 के डिवीजन कर दिए थे उसी पूरी स्केल को। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स इसमें हमने क्या किया, इस डायग्राम दिख रहा होगा, इसको हम कैसे यूज करते हैं, पूरे डायग्राम के पार्ट्स को समझना मुझे, क्योंकि हमने जो भी वीडियो बनाया हुआ थ्योरी एग्जाम के पर्पज से बनाया है, तो हमें समझना होगा इस डायग्राम को, जिससे हम एग्जाम में बना सकें और सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स कभी भी ऐसा पूछा जाता है कि ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर मिनिमम कितना एंगल मेजर कर सकता है, या फिर कई बार दूसरे क्वेश्चन पूछा जाता है लीस्ट काउंट के रूप में, तो लीस्ट काउंट कितना होता है इसका, 2 मिनट। तो इसको भी याद रखें कि 2 मिनट तक यह मेजर कर सकता है एंगल को, या फिर इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 2 मिनट, क्योंकि ये जितने भी हमारे एंगल को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट है उनका लीस्ट काउंट जरूर पूछा जाता है, तो इसको याद कर लें, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 2 मिनट। अब इसके डायग्राम को समझते हैं।
तो फ्रेंड्स यहां पर भी आपको दो डायग्राम दिखाए होंगे। ए इस तरह का हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक्चुअल में ए डायग्राम बना हुआ है थ्योरी एग्जाम के पर्पज से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांच की पूरी सर्कुलर प्लेट बनी हुई दिख रही होगी, इसको हम माइक्रोस्कोप से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि एक स्टॉक रहता है जो कि हमने बर्नियर स्केल में भी बताया था, जिसको हम किसी सरफेस से टच करने के लिए, फिक्स करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, दूसरा मेन पार्ट होता है ब्लेड, ब्लेड दिख रहा होगा, इसका एक साइड 45 एंगल कटा रहता है, दूसरी साइड 60 एंगल कटा रहता है। ठीक है, ये रहता सर्कुलर प्लेट के साथ अटैच रहता है, जब ब्लेड को हम फिक्स कराते हैं, मूव कराते हैं, तो इसके साथ हमारी सर्कुलर प्लेट भी मूव होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आई पीस लिखा हुआ है, मतलब माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से यहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं। ये टर्रेट रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लेड क्लैंप रहता है, ये मेन क्लैंप रहता है, जो कि हमारी किसके साथ रहता है, पूरी बॉडी, ये अंदर की जो आपको लाइन दिख रही है, इसको हम बोलेंगे क्या, एक सर्कुलर प्लेट रहती है कांच की बनी। ठीक है, ये लॉकिंग नट रहता है, ये वर्किंग एज रहती है, ये एक्चुएट एंगल अटैचमेंट रहता है, कि इस तरह का अगर एंगल में कोई चीज अटैच करना तो आसानी से अटैच कर सकते हैं। तो ये पार्ट्स रहते हैं जो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये हम बॉडी लिखी हुई है, पूरी बॉडी होती है, मेन स्केल रहती है ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा सेम बना हुआ डायग्राम, इसको आप देख सकते हैं इस तरह का होता है। अब हम इसको बताएंगे फ्रेंड्स कि कैसे इसको टाइट करते हो, कैसे करते हैं, कैसे एंगल को मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसके अंदर यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की, जो हैचिंग वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारा कोई एलिमेंट है, कोई वर्क पीस है, जिसका हम ऊपर की सरफेस का एंगल मेजर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, इसके ऊपर भी हम रख सकते हैं, और एक्चुएट एंगल में कोई अगर है तो इसके अंदर भी फंसा सकते हैं। तो हमने ऊपर रखने वाला बता रहा है, तो इसके अंदर हमने ऊपर रखा एक पीस। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इधर का फिक्स रहता सब कुछ, ये इसको जो मेन स्केल के साथ अटैच रहता है, इसको हम ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं, जिसे बोलते हैं ब्लेड। ये कौन सा हमारा ब्लेड है, ब्लेड ऊपर लाए, इसके ऊपर सही से सरफेस के ऊपर फिक्स कर लेते हैं, नीचे ऊपर। जैसे ही फिक्स हो जाता है, तो हमारा जो लॉकिंग नट है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको टाइट कर देते हैं। तो टाइट होने के बाद क्या करते हैं, हम इसकी स्केल को पढ़ते हैं। स्केल को पढ़ना वैसे मैं बता चुका हूं इससे पहले बर्नियर स्केल में, फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या रहती है, बर्नियर स्केल की टाइप की कांच की बनी हुई पूरी सर्कुलर प्लेट रहती है। ठीक है, ऊपर मेन स्केल रहती है। हम क्या देखते हैं, जो हमारी सर्कुलर स्केल है, जो अंदर की बनी हुई बर्नियर स्केल का ग्रेजुएट रूप बोलते हैं, उसका हम जीरो वाला मार्क लिखते हैं। कौन सा वाला, जीरो वाला मार्क। वह जीरो वाला मार्क हमारी मेन स्केल है, उसके किस दो एंगल के बीच में मिल रही है। मान लो वह आती है 50-55 के बीच में आती है, तो 50-55 के बीच में आती है, तो पहले वाला कौन सा होगा, 50 होगा। तो 50 को हम कंसीडर करेंगे, और 50 को क्या लिख देंगे, डिग्री में। जैसे मान लो, और एक्यूरेट देखना, मान लो हमारा 52-53 के बीच में आती है, या 41-42 के बीच में आती है, तो 41-42 में कौन सा लेंगे, 41 वाला लेंगे। ठीक है, मान लो 29 और 30 के बीच में आती है, तो 29-30 में कौन सा लेंगे, 29 वाला लेंगे। तो 29 को किस में लिखेंगे, डिग्री में लिखेंगे, मेन स्केल वाला। याद रखें, जो हमारी सर्कुलर प्लेट में जिसमें 10-10 डिवीजन किए, उसका जीरो वाला मार्क, जो हमारी मेन स्केल के जिन दो एंगलों के बीच में मिलता है, उसका पहला वाला एंगल होगा, उसको हम डिग्री में लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, सर्कुलर प्लेट का जो भाग होगा, कोई एक भाग होगा, वह मेन स्केल के किसी एक भाग से सही मिल रहा होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर सही से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे, बिल्कुल एक जैसे मिल रहा होगा, बकाया कोई भी नहीं मिल रहा होगा। तो जो वाला मेन स्केल से हमारी सर्कुलर स्केल है, जो अंदर वाली, उसका जो बर्नियर स्केल है, जिसका ग्रेजुएट रूप है, जो कांच की बनी हुई है, उसका कोई एक पार्ट मेन स्केल के किसी एक पार्ट से मिलता है, तो हम क्या करेंगे, जो बर्नियर स्केल की का जो एक पार्ट मिल रहा है, उस बर्नियर स्केल के एक पार्ट को हम नोट कर लेंगे, उसको किस में करेंगे, मिनट में करेंगे। तो डिग्री और मिनट में हम उस एंगल को लिख सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरी कोशिश थी समझाने की, हमें नॉर्मल आता है क्वेश्चन ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर के नाम से, तो हमने जो ऊपर डेफिनेशन समझाई हुई, उसको आसानी से आप लिखें, उसके बाद इस डायग्राम को बनाएं। डायग्राम के जो भी पार्ट्स मैंने समझाए कि इसके अंदर क्या होती है, एक सर्कुलर प्लेट होती कांच की बनाए, जिसके अंदर 10-10 डिवीजन में बटे हुए होते रहते सारे पार्ट्स। यहाँ पर आईपीस रहता है, एक माइक्रोस्कोप लगा जाता है, जिसकी सहायता से हम सारे एंगल पढ़ सकते हैं। ये जो सर्कुलर प्लेट रहती है, अंदर मेन बॉडी से कनेक्ट रहती है, मेन बॉडी बोले तो मेन स्केल होती है, जिसमें 0 से 360 के बीच में अंकित रहते हैं। अंकित करने का तरीका होता है 0 से 90 और 90 से 0। फिर इसके ऊपर एक ब्लेड लगी रहती है, जो कि मेन बॉडी से अटैच रहता है, उसके साथ सर्कुलर प्लेट मूव होती है। इसको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करें। और एक वर्किंग एज रहती है, वर्किंग एज मतलब होता है इसके अंदर भी फिक्स कर सकते हैं, ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं, और फिक्स करने के बाद जिस भी बॉडी का एंगल मेजर कर रहे हैं, उसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, लॉक करने के बाद क्या करते हैं, हम उस एंगल को मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए जो भी हमारी अंदर की स्केल है, जो कांच की बनी हुई है, उसका जो 10-10 भाग में डिवीजन है, उसका जो जीरो वाला पार्ट है, वह मेन स्केल के जिस भी पार्ट से मिलता है, वह डिग्री में मेजर करते हैं। दो पार्टों के बीच में आता है,
पहले पार्ट्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं। इसके बाद जो कांच का बना हुआ कोई भी एक भाग जो मेन स्केल से मिल जाता है उसको नोट करते हैं, उसको मिनट में मेज करते हैं, मेजर करते हैं। तो फ्रेंड समझ में आया होगा जो भी आप वो मेरे समझाने का तरीका। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।